बड़ी खबरों के साथ। बहराइच में रोडवेज बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों में 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि रोडवेज बस बहराइच से लखनऊ जा रही थी। घने कोहरे की वजह से तेज रफ्तार ट्रक और बस की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस पलट गई। हादसा जबरल इलाके में हुआ। डीएम और एसपी ने घटना स्थल का जायजा लिया और घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे बहराइच से, हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता कल्बे अब्बास। कल्बे, कैसे ये इतना बड़ा हादसा हुआ? कई लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं और कुछ लोगों की इसमें मौत भी हुई है। कैसे ये इतना बड़ा हादसा हुआ? जी हाँ, ये सवेरे की दुर्घटना है और जरवल बहराइच के जो जरवल रोड थाना क्षेत्र है वहाँ पर तपेसी आए पानी टंकी के पास रोडवेज बस जो लखनऊ से बहराइच आ रही थी और एक ट्रक जो बहराइच से लखनऊ जा रहा था, इनकी आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई जिसमें बस में सवार 5 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई और ट्रक ड्राइवर की भी मौत हो गई। इस तरह से 6 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए जिसमें से 9 की हालत गंभीर है, उसमें से 4 की कुछ ज्यादा हालत खराब बताई जा रही है। इस तरह से घायलों को जिला अस्पताल तुरंत पुलिस के लोगों ने ग्रामीणों की मदद से यहां पहुंचाया और मौके पर जैसे घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसएसपी केशव चौधरी और डीएम डॉक्टर दिनेश चंद मौके पर पहुंच गए और सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को और लोगों को निर्देश दिया कि इनकी हर संभव मदद की जाए और जिला अस्पताल भी ये दोनों अधिकारी अन्य अधिकारी मौके पहुंचे हैं और वहां पर इन्होंने सीएमओ सीएमएस सभी से मिले हैं और इनको अधिक अच्छा उपचार देने का जो है निर्देश दिया है। इस तरह से स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय है और इसमें जो घायल हैं और जिनकी मौत हुई है ये जयपुर से लोग आ रहे थे जो लखनऊ से बस बहराइच आ रही थी। कल्बे, इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने बड़े हादसे में कई लोग, आपने बताया 15 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और उनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल घायलों की स्थिति अभी कैसी है? 4 ज्यादा गंभीर हैं और बाकी ठीक है। इसमें से जो घायल हैं वो और जिनकी मौत हुई है ये कुछ नेपाल के रहने वाले हैं, प्रदेश के विभिन्न जनपदों के रहने वाले हैं और इस दुर्घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी शोक प्रकट किया है और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इनका अच्छा उपचार किया जाए, किसी तरह की कोई कमी ना होने पाए। जी ठीक है कल्बे, आपका शुक्रिया।